प्रदेश में लगातार तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है, जिसके कारण आए दिन प्रदेश में बड़े पैमाने पर सड़क हादसे की खबर सामने आती रहती है। ऐसा ही एक दर्दनाक हादसा विक्की फैक्ट्री चौराहे के पास सामने आया है, जहां तेज रफ्तार की वजह से दो लोगों की सड़क दुर्घटना में ही मौत हो गई। बता दें कि शिवपुरी की ओर से आ रही कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़कर पलट गई, जिसके कारण कार में सवार चार लोगों में से दो की मौके पर ही मौत हो गई। घटना में डिप्टी कमिश्नर नगर निगम शिशिर श्रीवास्तव के 22 साल के बेटे वारिस श्रीवास्तव की मौत हो गई है। वही दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।